ड्रैगन्स की कल्पना स्पष्ट तौर पर आज के रेप्टाइल्स को देखकर किया गया है। वो बात अलग है कि इनमें डायनासोर से भी ज्यादा शक्तियां, विशालकाय शरीर और मजबूती पाई जाती है। किसी सामान्य जीवों से अलग इस काल्पनिक उड़ने वाले जीव को कई देशों में देवता माना जाता है, तो ज्यादातर जगहों में इसे सबसे ज्यादा विनाशक बताया जाता है। अब चाहे वो ड्रैगन मॉन्स्टर वर्स का किंग गिद्धोरा हो या डी वॉर का सेलेस्टियल ड्रैगन, दोनों ही ड्रैगन के असीमित शक्तियों के सामने शायद ही दूसरे कोई मॉन्स्टर टिक पाए। मगर क्या हो जब ये दोनों ही ड्रैगन एक दूसरे से उलझ जाए? क्या मॉन्स्टर जीरो के ग्रेविटी बीम को संभाल पाएगा स्वर्गीय ड्रैगन, या सेलेस्ट्रियल ड्रैगन के अटैक से किंग गिद्धोरा का अंत होगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें सेलेस्ट्रियल ड्रैगन की, तो इस ड्रैगन की झलक हमें पहली बार कोरियन मूवी डी वॉर में देखने को मिली। यह ड्रैगन दिखने में किसी विशालकाय अद्भुत सर्प की तरह होते हैं, पर सेलेस्ट्रियल ड्रैगन बनने की होड़ में इन दो सांपों के बीच एक जंग सी छिड़ जाती है। दोनों सर्पेंट में एक बुराकी, जिसे डार्क इमोगी कहा गया है, वो बुराई का प्रतीक था। इसी वजह से इसमें शक्ति पाने की चाह इससे कई गलत कार्य करवाती है। बुराकी सर्पेंट इयो इजू पाने के लिए सारा डेनियल का पीछा करता रहता है, ताकि शक्ति प्राप्त करके ये सेलेस्ट्रियल ड्रैगन बन सके। वहीं दूसरे सर्पेंट यानी गुड इमोगी का आगमन तब होता है जब बुराकी सारा को मारने वाला होता है, और इस प्रकार अपने अच्छे कृत की वजह से ये सेलेस्ट्रियल ड्रैगन बनने के काबिल बनता है। दोनों इमोगीज के ओरिजिन की बात करें तो दोनों ही स्वर्ग के सर्पेंट थे, जिनमें से किसी एक सेलेस्ट्रियल की ताकत मिलनी थी, पर बुराकी की मंशा ये थी कि वो सेलेस्ट्रियल ड्रैगन बनकर पूरी धरती और स्वर्ग को तबाह कर सके। पर चूंकि सेलेस्ट्रियल ड्रैगन बनने के लिए चमत्कारी इयो इजू धरती पर स्थित किसी एक लड़की के पास था, इसलिए बुराकी इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हेल के आर्मी के साथ अर्थ पर हमला बोलता है, पर गलत मंशा रखने के कारण ये अपने मार्ग पर असफल हो जाता है। लेकिन उस लड़की का जन्म दोबारा धरती पर 500 सालों बाद होता है, इसलिए बुराकी पूरी तैयारी के साथ अर्थ पर दोबारा आता है ताकि वो इस बार ना चूके। पर अंत में गुड इमोगी की अच्छी नीयत इसे सेलेस्ट्रियल बनने के काबिल बनाती है, और वो बनता है द सेलेस्ट्रियल ड्रैगन। दोनों इमोगीज में बुराकी के पावर्स एंड एबिलिटीज को देखें तो इसके पास है शक्तिशाली जानलेवा जबड़े, जिससे यह किसी के भी टुकड़े कर सकता है। इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी, जिस वजह से इसे किसी भी हथियारों से नहीं मारा जा सकता, अब चाहे वो हथियार परमाणु बम ही क्यों ना हो। इमेंस स्ट्रेंथ यानी इसकी ताकत को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। इसकी रफ्तार भी ध्वनि के रफ्तार तक पहुंच सकती है। साथ ही इसकी डार्क पावर, जो इसे बार बार ये बता देती है कि इयो इजू होल्डर कहां पर मौजूद है, अब चाहे वो दोबारा जन्म ही क्यों ना ले, ये अपने डार्क मैजिक की पावर से उसकी लोकेशन तुरंत जान सकता है। इसके अलावा इसकी सबसे ताकत है इसकी हेल आर्मी, जो हजारों की संख्या में होते हैं। ये आर्मी सामान्य आर्मी से अलग इसमें कई तरह के विचित्र जीव, जैसे कि थेरोपॉड, डायनासोर्स, उड़ने तथा आग उगलने वाले ड्रैगन्स तथा फ्रॉग जैसे दिखने वाले तोप लगे डाउलर शामिल होते हैं। एल्ट्रॉक्स कहलाने वाले ये ट्रूप इतने खतरनाक हुआ करते हैं, जिससे हम मनुष्य तो मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये आर्मी जहां भी चलती है विनाश उसके साथ फैलता जाता है। अगर बात करें गुड इमोगी की, जो अंत में सेलेस्ट्रियल ड्रैगन बनता है, वह बुराकी जितना ही विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन इयो इजू मिलने के बाद इसकी शक्तियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सेलेस्ट्रियल ड्रैगन बनने के बाद यह आसानी से उड़ सकता है और अपने मुंह से फायर बॉल छोड़ सकता है, और इस फायर बॉल की ताकत इतनी अधिक थी जो न मरने वाले बुराकी को भी पल भर में मार देती है। एक बार सेलेस्ट्रियल ड्रैगन बनने के बाद गुड इमोगी के पास इतनी ताकत आ जाती है जिससे ये एक प्रकार का गॉड बन जाता है। वहीं बात करें किंग गिद्धोरा की, तो ये एक एलियन ड्रैगन है जो धरती पर विनाश करने आया था, पर अंटार्कटिका के बर्फ में जमने से ये अपने मकसद में विफल हो जाता है। पर साल 2016 में डॉक्टर ग्राहम द्वारा इस विनाश को धरती के ऊपर लाया जाता है,
और इसके जागने के बाद जो तबाही होती है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। अगर बात करें किंग गिद्धोरा के ओरिजिन की, तो मॉन्स्टर वर्स के इस ड्रैगन को एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी परग्रही जीव बताया जाता है जो इस धरती को नष्ट करने आया था। इस मूवी के लोक कथाओं के अनुसार किंग गिद्धोरा प्राइमोडियल एज के दौरान धरती पर आया था, पर धरती को नष्ट करने के दौरान ये धरती में दबकर रह जाता है। बात करें किंग गिद्धोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो स्पेस मॉन्स्टर होने की वजह से ये कैसे भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो धरती के बाहर अंतरिक्ष हो या अंटार्कटिका का बर्फ, ये कहीं भी नहीं मरता। इसे श्वास लेने के लिए प्राण वायु यानी ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि इस पर हुए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के हमले से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पंखों की लंबाई 1000 फीट से भी ज्यादा होती है, जिसकी मदद से ये धरती के वातावरण में 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं अंतरिक्ष में इसकी गति प्रकाश यानी लाइट के स्पीड के बराबर हो जाती है। किंग गिद्धोरा अपने पंखों की सहायता से शक्तिशाली स्टॉर्म भी क्रिएट कर सकता है जो इतना विनाशकारी होता है जिसके समक्ष विशालकाय इमारतें भी ढह जाएं। इस मॉन्स्टर के शरीर का आकार गॉडजिला के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसकी त्वचा भी इमुगी सर्पेंट के भांति सख्त होती है। इसलिए बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की, तो ये इतना ड्यूरेबल है जिस पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ का भी कोई असर नहीं होता। इसकी रीजनरेशन एबिलिटी की जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी, क्योंकि अपने कटे हुए सिर को तुरंत पुनः उगा लेना गॉडजिला के लिए भी नामुमकिन सा है। यहाँ तक कि कटे हुए सिर के पुनः उगते ही इसमें सारी लक्षणे व मेमोरी भी पहले की तरह रिस्टोर हो जाती है, और ऐसा ये एक बार नहीं बल्कि कई बार कर सकता है। इसके अलावा ये सेफली एनर्जी शील्ड बना सकता है जिससे होकर कोई भी हथियार पार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यह शील्ड हथियार को वापस की ओर और भी ज्यादा तेजी से भेज सकता है। किंग गिद्धोरा खुद को उल्कापिंड में छिपा भी सकता है और वो इस तरह एक से दूसरे प्लेनेट में ट्रेवल करता है। पर जो एबिलिटी इसे सबसे शक्तिशाली बनाती है वो है इसका ग्रेविटी बीम। ये अपने तीनों सिर से ग्रेविटी बीम प्रोजेक्ट कर सकता है जो टारगेट के नामो निशान भी मिटा दे। यहाँ तक कि इसकी ग्रेविटी बीम से अर्थ के एटमॉस्फेयर भी डैमेज होने लगते हैं। ये एनर्जी को खुद में स्टोर भी कर सकते हैं और उस एनर्जी को अपने ही दुश्मनों की तरफ मोड़कर उसे मार भी सकता है। बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो आप इसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने लगभग 1,00,000 टन वाले गॉडजिला को आसमान में ले उड़ा था तथा उसे जमीन में फेंक दिया था। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो किंग गिद्धोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है, वहीं बुराकी एक जायंट सर्पेंट है और गुड इमोगी एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन चुका है। इसलिए गुड इमोगी के पास कई ऐसी एबिलिटीज आ चुकी है जिससे इसका सामना कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाए। वहीं किंग गिद्धोरा एक विशाल तथा अद्भुत शक्तियों वाला ड्रैगन है, जबकि दोनों इमोगीज भी 650 फीट जितने विशाल सर्प है। चूंकि बुराकी काफी ज्यादा ड्यूरेबल सर्पेंट है, इसलिए इसे सामान्य से लेकर अद्भुत हथियारों से भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। साथ ही इसकी हेल आर्मी और डार्क मैजिक से जीत पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए आर्मी साथ होने पर ज्यादातर इस बात की संभावना है कि बुराकी किंग गिद्धोरा को हरा सकता है। वहीं अगर दोनों अकेले लड़े तो जिस प्रकार सेलेस्टियल ड्रैगन के फायर बोल ने बुराकी का अंत कर दिया था, संभावना है कि ग्रेविटी बीम भी बुराकी का वही हसर करे। मगर जहां सेलेस्टियल ड्रैगन का मुकाबला किंग गिद्धोरा से हो जाए, तब किंग गिद्धोरा का बैटल में टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इसके फायर बोल और हेवन पावर को गिद्धोरा नहीं संभाल पाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन इस पूरे बैटल का विजेता है। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।